हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग ये जानते हैं कि यह पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई। आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। रक्षाबंधन सनातन धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक विशेष महत्व रखने वाला त्यौहार है। भाई बहन गुरु शिष्य परंपरा का यह परम पावन त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। यह परंपरा सतयुग में महाराजा बलि ने जब तीनों लोकों को भगवान श्री नारायण को समर्पण कर दिया था और उनका जो वास था वो पाताल में हो गया, भगवान नारायण को उन्होंने पहरेदार के रूप में रख लिया। माता महालक्ष्मी जब बेचैन हुई, उनको पता लगा कि मेरे पतिदेव पाताल में है, तो बलि राजा के द्वार पर गई और बलि राजा को भाई के रूप में चयन किया और उपहार के रूप में भगवान नारायण को बलि राजा से मांग लिया। तब से यह त्यौहार रक्षाबंधन का, रक्षा सूत्र का त्यौहार सुप्रसिद्ध हुआ, प्रचलन में आया। भगवान श्री कृष्ण के काल में, महाभारत काल में, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में उंगली में एक बार चोट आई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की हाथ में बांधा। भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन दिया कि जैसे तुमने आज मेरे हाथों में ये बांधा है, अपना वस्त्र बांधा है, उसी प्रकार से एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा समय आया जब कौरवों के द्वारा द्रौपदी का अपमान हुआ, चीर हरण हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस छोटे से साड़ी के पल्ले के बदले भगवान ने अपनी कृपा से द्रौपदी का चीर ऐसा बढ़ाया कि थानों पे थान पड़ गई। उसी समय से भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जो बहन भाई हैं, और महाराजा बलि और माता लक्ष्मी जो बहन भाई हैं, इन दोनों के माध्यम से वह प्रथा जो आज तक चली आ रही है, वह प्रथा का निर्वाह सनातन धर्म आज भी करता है। बहन भाई का यह प्यारा सा त्यौहार हम सबके लिए बहुत शुभदायक हो, सभी को मंगल कामना है। 19 अगस्त के दिन बहन भाई का यह प्यारा रक्षा सूत्र का, बंधन का त्यौहार हम सब मनाने जा रहे हैं। जय श्री महाकाल।